आओ बच्चों सुनो कहानी। एक था बब्बर शेरू और दूसरा था चूहे चूचू मियां। दोनों में एक दिन हुई बहुत ही गहरी दोस्ती। कैसे हुई सुनो कहानी। एक बहुत ही हरा भरा सा जंगल था जिसमें परिंदे जानवर सब हंसी खुशी मिलकर साथ रहते थे। और वहाँ का बादशाह था शेरू, जो इस जंगल में मजे लूट रहा था। एक दिन बब्बर शेरू मजे की नींद लिए सो रहा था कि वहाँ से चूचू मियाँ का गुजर हुआ। चूचू मियाँ ने जब बब्बर शेरू को इतने मजे की नींद सोते हुए देखा तो उसको एक तरकीब सूझी। वो भागा भागा अपने दोस्तों के पास गया और उनको कहा कि सुनो दोस्तों, अगर मैं तुम्हें शेर के ऊपर चढ़कर दिखा दूं तो क्या तुम मुझे जंगल का सबसे ताकतवर तरीन जानवर मान लोगे? सब उसकी बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये चूचू मियाँ को क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो बात मानकर देख लेते हैं कि क्या होता है। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हम चूचू मियाँ के साथ जाएंगे और उसको शेर पर सवार होते देखेंगे। चूचू मियाँ उनकी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कहा कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी ताकत, कि मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। तुम सब मेरे साथ चलो, जहाँ शेर सो रहा है हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पर तुम मेरी शाही सवारी देखना। सबने कहा हाँ ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ चलते हैं और देखेंगे कि तुम ताकतवर हो या नहीं। चूचू मियाँ ने कहा हाँ चलो सब फिर हम शेर के पास चलते हैं। चूचू मियाँ आगे आगे और चूचू मियाँ के दो सब उनके पीछे पीछे आ रहे थे। आजो आजो सब। सब आराम से बब्बर शेरू के गार के पास गए जहाँ पर बब्बर शेरू मजे की नींद सो रहा था। उन्होंने कहा चलो चूचू मियाँ, अब हमें साबित करके दिखाओ कि तुम एक बहादुर हो, बहुत ही बहादुर। चूचू मियाँ ने कहा हाँ मैं अब जाता हूँ, तुम सब एक दरख्त के पीछे छुप कर देखो। वो सब दोस्त एक दरख्त के पीछे छुप गए और उसको देखने लगे कि चूचू मियाँ अब शेर का नवाला बने ही बने, अब तो वो हरगिज बच के ना आएंगे। चूचू मियाँ भागते हुए शेर की जानिब बढ़े और उसके पास आहिस्ता आहिस्ता से चलने लगे। शेरू मियाँ के पास जाकर चूचू मियाँ रुक गए और उसको देखने लगे। फिर चूचू मियाँ बड़ी बहादुरी से आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुम से चढ़ते हुए शेर के ऊपर जा बैठे और मुड़कर बार बार अपने दोस्तों को देखने लगे। चूचू मियाँ शेर के ऊपर सवार तो हो गए थे, लेकिन यहाँ पर चूचू मियाँ की डर के मारे हालत बुरी हो रही थी। ये सब मंजर एक शिकारी देख रहा था। शिकारी ने कहा ओह, आज तो मुझे शिकार करने का मौका मिला है। शेर सो रहा है, क्यों ना इसका शिकार किया जाए। मेरे पास एक जाल है, मैं इसको जाल में फंसाऊंगा। शिकारी ने जाल बब्बर शेर के ऊपर फेंक दिया। चूचू मियाँ जिनका डर से पहले ही बुरा हाल था, जाल को देखकर और ही बुरा हाल हो गया। चूचू मियाँ ने कहा कि अब क्या होगा, शेर तो उड़ जाएगा और मुझे खा लेगा। इतने में शेर जाल की वजह से सोकर उठ गया। जैसे ही चूचू मियाँ ने शेर को जागते हुए देखा, फौरन से वहां से भाग उठे और जाकर एक दरख्त के पीछे छुप गए और बब्बर शेर को देखने लगे। इतने में बब्बर शेर की जब आंख खुली, बब्बर शेर बहुत
बहुत गुस्से में आ गया और बोला, ये किसने मुझे जाल में फंसाया है? किसकी इतनी जुर्रत हुई है? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। उसके बाद बब्बर शेर जाल से निकलने की कोशिश करते रहे, कभी इधर छलांग लगाई तो कभी उधर छलांग लगाई, लेकिन नाकाम रहे। फिर उन्होंने और मजीद गुस्से में कोशिश की, लेकिन बब्बर शेर इस बार भी जाल को नहीं तोड़ सका। ये सब मंजर चूचू मियां देख रहे थे और बड़ी हिम्मत करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं शेर के पास जाऊं और जाल तोड़ने में उसकी मदद करूं। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खौफजदा थे क्योंकि बब्बर शेर बहुत ही गुस्से में था। लेकिन फिर उसने मदद का फैसला किया। चूचू मियां आहिस्ता आहिस्ता चलकर डर के मारे शेर के पास आए और बोले, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हें इस जाल से आजाद कर सकता हूँ। बब्बर शेर हैरान हुआ और बोला, तुम एक मामूली से चूहे मुझे आजाद करोगे? तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? चूचू मियां ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जो बच्चे ये कहानी देख रहे हैं, तुम्हें उनको कहना पड़ेगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शेर ने कहा, प्लीज इसकी बात मान लो। जैसे ही बच्चों ने लाइक और सब्सक्राइब किया, चूचू मियां ने जाल को अपने दांतों से तोड़ दिया और शेर को आजाद कर दिया। इस पे शेर बहुत खुश हुआ और बोला, प्यारे बच्चों, इसने मुझे जाल से आजाद किया है। अब आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चूचू मियां ने बब्बर शेर से कहा कि अब तुम हमारे पक्के दोस्त बन जाओ। इस बात पे बब्बर शेर बहुत हंसा और बोला, ठीक है, आज से मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का पक्का दोस्त हूँ और मैं उनको तंग भी नहीं करूँगा। चूचू मियां के सब दोस्त ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी से चिल्ला उठे, ये हम सब दोस्त हैं, हम सब आजाद हैं, अब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर वो सब जंगल के बादशाह बब्बर शेरू के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी और आगे भी आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.